आज हम कक्षा 12वीं में अध्याय 15 के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें जो है नए युग का प्रारंभ हुआ इसके बाद, और हमने अभी आप लोगों को पिछली कक्षा में हमने संविधान से संबंधित संक्षिप्त जानकारी आपको दी थी कि संविधान को बनाने में कितनी कठिनाई हुई थी और साथ ही साथ उसको निर्माण करने में कितना समय लगा था। इस तरह से हमने आपको संक्षिप्त जानकारी उसके बारे में दी थी। तो अब हम देखेंगे भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और स्वतंत्र भारत को प्रगति के पथ पर हमें अग्रसर है तो हमें उसे क्या करना होगा। बिखराव को समाप्त करने के लिए, एकजुटता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हमें उस पर गहन विचार विमर्श करना बहुत ही आवश्यक था। तो इस तरह से जो कांग्रेस के जो सदस्य थे और सामाजिक सदस्य थे वे सभी मिलकर उस पर विचार विमर्श कर रहे थे कि हम किस तरह से शासन को एकजुट बनाए रखने के लिए, स्वतंत्र रखने के लिए हम किस तरह से कार्य कर सकते हैं। इस तरह से स्वतंत्र भारत को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, जिस तरह से हमने पिछले उसमें बताया था कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के कारण ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्व के रूप में। फिर उस समय जो था तात्कालिक कुछ समस्याएं थी जिसमें कि उथल पुथल का दौर भी था, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत का विभाजन हुआ था, उसमें बहुत से दंगे हो रहे थे, बहुत से आपस में लोग लड़ रहे थे, लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे। इस तरह जो समस्याएं थी उस समय उथल पुथल का एक दौर बना हुआ था, जिसमें कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन हुआ था, भारत जब एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, तो इसके परिणाम स्वरूप कई समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे सांप्रदायिक दंगों की समस्या। सांप्रदायिक दंगे जिसमें कि हिंदू मुस्लिम दंगों के आग की तरह जब फैल गया था, क्योंकि एक दूसरे इसमें जो सामाजिक थे, जो धार्मिक लोग थे, वे इसका लाभ उठाने के लिए दंगे के रूप में इसको बहुत ही ज़्यादा फैला दिए थे, जिसमें सांप्रदायिक दानव के रूप में संपूर्ण देश में यह नफरत की माहौल पैदा कर दिया था। फिर शरणार्थियों की समस्या, जब व्यक्ति विभाजन हुआ तो लाखों हिंदू सिख परिवार जो पाकिस्तान को छोड़कर भारत आने को विवश हो गए थे, और भारत के जो लाखों लोग थे वे पाकिस्तान जाने के लिए विवश हो गए थे। इस तरह से उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए गंभीर समस्या एक स्वतंत्र भारत के समक्ष जो है वह उत्पन्न हो गई थी कि इनको हम कहां पर इनको स्थापित करें या कहां पर इनको व्यवस्थित रूप से उनको रहने की व्यवस्था करें। फिर हम देखेंगे कि देसी रियासतों का एकीकरण की समस्या। कुछ देसी रियासत ऐसे थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, पूर्ण स्वतंत्रता के बाद कुछ देसी रियासत जो थे वह एकजुट होकर रहने के लिए शामिल हो गए थे, और कुछ रियासत ऐसी थी जो कि एकीकरण नहीं करना चाहते। जैसे कि उस समय जो था कश्मीर था, वह भी स्वतंत्र रहना चाह रहा था, उसके बाद एक दो राज्य और थे वे भी स्वतंत्र रहना चाहते। इसमें जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लोगों की राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए उनको मनाया, और वे इस तरह से भारत में एकीकरण स्थापित हुआ। फिर उसके बाद है आर्थिक संसाधनों की समस्या। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, विभाजन के पश्चात आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे थे, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जो कि वह पाकिस्तान में विभाजन के समय चले गए थे, जिससे कि आर्थिक संसाधनों की कमी हो गई थी, और उसको समस्याओं को चक्रव्यूह से निकलने के लिए भी प्रयास किया गया था। फिर देखेंगे कि संविधान का निर्माण, संविधान सभा का गठन। ये पिछली कक्षा में हमने आपको बता चुके हैं कि संविधान सभा का गठन किया गया था, इसमें बहुत सी समितियां बनाई गई थी जो कि आपस में उन्होंने इसको तैयार किया था, जो संविधान के एक लिखित रूप में हमारे सामने आया था। फिर देखेंगे इस संविधान सभा की कांग्रेस एक प्रभावशाली घटक थी, क्योंकि यह संविधान 82% कांग्रेस पार्टी के इसमें सदस्य थे, और साथ ही साथ इसमें प्रतिनिधि सभा भी थी जिसमें ऐसे अनुभवी और योग्य व्यक्ति थे जिनको कि देश की संविधान सभा को गर्व हो सकता है। फिर संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई थी। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान के स्थायी सदस्य बनाया गया था, ये मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था। फिर संविधान सभा में होने वाली चर्चाओं पर जनमत का भी प्रभाव होता है, इसलिए सार्वजनिक रूप से बहस भी की जा रही थी कि हमें इसे किस तरह से कार्य करना है। अखबारों में भी दलीलें प्रकाशित हो रही थी जिसके माध्यम से संविधान को बनाने में हमें सहायक सिद्ध हुआ। फिर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि इसमें ये कहा गया था कि जिसमें 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, के मुंशी
अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन लोग सब ने जो है संविधान को बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि ये सब थे विधि वेत्ता थे और अर्थशास्त्री थे जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव हुआ था इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था जो राष्ट्रीय ध्वज है वह केसरिया सफ़ेद और गहरे हरे रंग की तीन बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों में तिरंगा होना चाहिए और बीच में एक नीले रंग का चक्र होना चाहिए। फिर संविधान निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका जो थी वह महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इन्होंने पर्दे के पीछे रहकर जिस तरह से हमने कहा कि राज्यों को एकीकरण करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी उस समय कहा जाता था, क्योंकि देश के एकीकरण करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर भीमराव अंबेडकर जो थे इन्हें संविधान सभा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये भी मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था। बघेल के एम मुंशी और मद्रास के वकील अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर तरह से ये अम्बेडकर के मुख्य सहयोगी थे, जिन्होंने कि संविधान को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण सुझाव दिए और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर संविधान की दृष्टि, इसमें हम देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने जब प्रस्तुत किया तो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रस्ताव था, क्योंकि संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा उस समय प्रस्तुत की गई थी कि संविधान का जो है वह किस तरह से होगा, उसका मूल उद्देश्य क्या है, उसका रूपरेखा क्या होगी। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं या फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये कैसे कैसे होना चाहिए, उस तरह से एक रूपरेखा तैयार की गई थी। और इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि भारतीय संविधान का उद्देश्य लोकतंत्र, उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय और सामाजिक विचारों के एक दूसरे में इसका समावेश करना बहुत ही आवश्यक था। हमारा देश जो है वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में जाना जाता है, जिसमें कि अनेक संस्कृति, अनेक सामाजिक लोग रहते हैं।